ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं कुलफाती चैनल। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये ब्लेड क्यों दिखा रहा हूँ। मैं आप इस छोटे से ब्लेड का कमाल दिखाने वाला हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। बन रही है हमारे साथ, हमारे कुलफाती गैंग के साथ। तो ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्लेड है मेरे पास और इस छोटे सा ब्लेड का कमाल आपको दिखाने वाले हैं। आप इस छोटे से ब्लेड से एक वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं खुद अपने हाथों से और घर पे। कुछ करना नहीं है गाइस, एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है। तो ये जितना इजी है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी है। तो कृपया आप इसको घर पर ना करें। okay. बताना मेरा काम है और सुरक्षा आपके हाथ में है, अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें। तो चलिए आपको बताते हैं ये सिंपल सा वेल्डिंग मशीन घर पे कैसे बनाया जाता है। आप भी खुद घर पे बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक बाल्टी है और बाल्टी में दो ब्लेड डले हुए हैं जो वायर से कनेक्टेड हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो दो ब्लेड हैं वो मैं बता दूं कि आपस में टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका घर का पूरा बिजली चला जाएगा। तो इसको रखते हैं साइड में और आपको इस बाल्टी का राज बताते हैं। ये है बाल्टी और बाल्टी में आधा बाल्टी पानी है मेरे पास और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो आप देख सकते हैं ये है साल्ट, नमक। इस नमक को इस आधे बाल्टी पानी में डालूंगा, आप देख सकते हैं जिस तरह। और कुछ नहीं करना है गाइस, आपको दो लकड़ी लेना है, एक लकड़ी, और इस ब्लेड को इसमें डाल देना है। तो ध्यान रखना है ये दोनों ब्लेड आपस में टच ना करें। तो चलिए आगे का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक वायर है इसको कनेक्ट किया है एक छोटे से आयरन के पार्ट्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड वायर है, ये रेड वायर को कुछ नहीं है, बस सिंपल सा इसको डायरेक्ट लाइन में लगा देंगे। तो चलिए हम आपको इसको बनाना सिखाते हैं, ये हम लोग कैसे बनाया है। कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपल सा 5 रुपया का खर्चा है सिर्फ वेल्डिंग रॉड का है, और कुछ नहीं करना है। और इस वेल्डिंग रॉड को एक लकड़ी की मदद से इसको नट बोल्ट से टाइट कर देना है और इसमें एक वायर कनेक्ट कर देना है जो सीधे आपका बोर्ड से कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगा। तो चलिए हम आपको इसका यूज करना सिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये वेल्डिंग रॉड का वायर है और ये देख सकते हैं जो साल्ट के पानी में, नमक के पानी में डाला हुआ ब्लेड है उसका वायर है। तो इस दोनों वायर को इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो इसको अब इस बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना देसी जुगाड़ लगा हुआ है, आप इसको इग्नोर मारें और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको यूज करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट, इसको यहाँ रखते हैं। और ये सेफ्टी के लिए मैं एक हेलमेट पहन रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है गाइस किसी को नहीं छोड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। और ये एक वेल्डिंग चश्मा ताकि आँख खराब ना हो। बताना मेरा काम है और सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। तो चलिए वेल्डिंग करके देखते हैं। तो ऑलराइट गाइस, देख सकते हैं आप ये बिल्कुल काम कर रहा है। ओ माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि ये काम करेगा। ओ भाई, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेल्डिंग कर रहा है। ये ज़्यादा भारी भरकम काम के लिए तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा वेल्डिंग आप इससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है गाइस, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये बात को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेल्डिंग कितना अच्छा तरीका से कर रहा है और आप इसको देख सकते हैं इसमें एक वायर कनेक्टेड है। अगर आप इसमें टच किए तो गए, अगर आप इसमें भी टच किए तो भी गए, अगर आप इस वाटर में भी टच किए तो भी गए, आपको कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिंपल सा लकड़ी का जो ये बनाया है मैंने, इसको पकड़ना है और कुछ नहीं। तो चलिए गाइस, ये एक्सपेरिमेंट हुआ सक्सेसफुल। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।